Hello, student. My name is Hemant Rana, and I welcome to all my channel Educational Buddha. And today we will discuss the chapter number eleven, Jugs and Mugs, of class third NCERT book Mathematics. And today we will discuss page number one hundred and fifty-three to one hundred and fifty-nine.

Snake, tortoise, baby tortoise, elephant, cat, ants, camel, mouse, mongoose, deer, fox, dog, etc. So there is a wedding in Bunny's family, a family of rabbits many guests are invited, like deer, monkeys, elephant, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoes, etc. and a special drink is served to all the guests, one glass each. everyone finds the drink very tasty, but. Some small guests like Dash and Dash cannot finish a full glass of drink. There is a wedding of Bunny's family. Bunny ki family me shadi hai. Bunny that means rabbits. And many guests are invited like deer, monkey, elephant, cats, dogs, mice, foxes, camels, mongoose, and these are animals. Ants. पैरेट रूस्टर, स्नेल एटसेट्रा ये सारे के सारे एनिमल्स को वहां पे इन्वाइट किया गया था एंड स्पेशल ड्रिंक इज सर्व टू ऑल द गेस्ट वन ग्लास इच सब गेस्ट को एक ग्लास स्पेशल ड्रिंक दिया गया एंड एवरी वन फाइंड वेरी वेरी टेस्टी बट सम स्मॉल गेस्ट लाइक डैश एंड डैश कैन नॉट फिनिश अ फुल ग्लास ऑफ ड्रिंक सबको एक एक ग्लास पूरा भर के ड्रिंक सर्व की गई लेकिन उसमें से कुछ जो छोटे गेस्ट थे वो पूरा ग्लास खत्म नहीं कर पाए लाइक माइस यू कैन सी आउल आउल भी यहाँ पे है तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ये दिस स्पेरो पे इतने छोटे छोटे भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो अपना ग्लास पूरा नहीं कर पाए होंगे यू कैन राइट आउल स्नेल रूस्टर पैरट एंट स्पेरो माइस एटसेट्रा इसमें से कोई भी दो नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं बट डैश इज एबल टू फिनिश इज ग्लास बट मंगूस इज एबल टू फिनिश हिज ग्लास बट मंगूस पूरा का पूरा ग्लास भर के अपना ड्रिंक है वो पी गया यू कैन राइट हीयर एलिफंट कैमल डॉग कैंट फॉक्स मंकी एटसेट्रा आप इन सभी में से किसी का एक का नाम भी यहां पर आप लिख सकते थे नाउ दिज ऑल एनिमल्स आर इन्वाइटेड टू बनीस वेडिंग लाइक डियर मंकीज elephants cats dogs mice foxes camels mongoose sparrow snake tortoise snail and owl so some others like dash dash and dash ask for more than one glass so the question arise in our mind ज्यादा की डिमांड कौन करेगा ग्लासका कर पेट नहीं भरेगा जो बड़ा होगा वो एक ग्लास से एक ग्लास पीने के बाद दूसरे ग्लास की डिमांड करेगा लाइक एलिफंट कैमल एंड फोक्स जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे एनिमल्स है वो सारे के सारे डिमांड करेंगे कि वन ग्लास इज नॉट इनफॉर मी बोलेंगे कि मेरे लिए एक ग्लास इनफ नहीं है गिव मी मोर ग्लास ऑफ ड्रिंक मुझे और ग्लास भर के ड्रिंक दो सो नाउ द ट्रबल बिगिन्स दे आर समीक गेस्ट हु गो ऑन गपलिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास एक ग्लास के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा गपलिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास वन बाय वन वन बाय वन ग्लास पीते ही गए पीते ही गए तो ट्रबल हो गया सो बनी वॉन्ट्स टू गेस हु हाउ मच तो बनी ने गैस किया कि किसने कितना ग्लास पानी सॉरी ड्रिंक पिया होगा सो हेल्प हिम द टेबल हैव फन हियर हाउ मच

Sparrow, snake, tortoise, snail, owl. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Mice, sparrow, snake, tortoise, snail, and owl can drink less than one glass of special drink which was served in a bunny's wedding ceremony. Now, between 1 to 5 glasses. Who can drink 1 to 5 glasses? Mongoose, cat, dog. These animals can drink the special drink between 1 to 5 glasses. Now, between 5 to 10 glasses. Monkey, deer, etc. And now we have to list the name of animals which can be which can drink more than 10 glasses of special drink so who can drink more than 10 glass so camel elephant fox here you already written camel elephant and fox can drink the special drink more than ten glasses next now water in water out have you ever thought like ladu this is ladu and ladu thought i drink so much water in a day but all of it does not go out of me लड्डू थिंक आई ड्रिंक सो मच ऑफ वॉटर इन अ डे पूरे दिन में मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी लेकिन वो सारा पानी मेरे में से बाहर निकलता नहीं है सो वेर डज इट गो कहा जाता है सो अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वॉटर डू यू ड्रिंक इन अ डे जस्ट गैस मेनी ग्लासेस ऑफ वॉटर डू यू ड्रिंक इन अ डे इन समर डे एंड इन विंटर डे सिंपल यूज यू ड्रिंक मोर वॉटर इन समर डेज एंड लेस कंपेयर टू समर डेज इन विंटर आप समर में ज्यादा पानी पियेंगे और विंटर में कम पानी पियेंगे सो एवरेज जो बच्चा होता है आपकी एज का दैट मीन्स एट टू नाइन ईयर के आसपास का बच्चा वो समर डेज में सिक्स टू एट ग्लासेस पानी पीता है एंड इन विंटर डेज चाइल्ड लाइक यू कैन ड्रिंक थ्री टू सिक्स ग्लासेस ऑफ इन विंटर डेज कैन यू गैस हाउ मच वॉटर गोज आउट ऑफ यू कैन यू गैस हाउ मच वॉटर गैस आउट ऑफ यू आप में से कितना पानी बाहर निकलता है सो so ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दॉटर विच आई टेक गोज आउट ऑफ मीन हम जितना पानी पीते हैं उसमें से आधा पानी हमें हम से बाहर निकल जाता है दैट मीन्स ये जो लड्डू है जो टॉयलेट करने जाता है तो टॉयलेट के जरिए हम जितना पानी पीते हैं उससे आधा पानी तो टॉयलेट में निकल जाता है बाकी का पानी का क्या होता होगा आधा पानी जो बच गया उसका दिस इज द होमवर्क फॉर यू Think. So, next, page number 155 bottle and buckets. Get a 1 liter bottle, can be an empty bottle of water, oil, etc. Now, collect some bottles and mug, jug, glass, ball, etc. at your house. Use the 1 litre bottle to check which of these holds more than 1 litre and which of one holds less than 1 litre. Make a small drawing if you like. Now you have to take a 1 litre empty bottle like water bottle and collect some uh, utensils or other things like jug, mug, glass, ball, bucket, tub, एक्सेट्रा एंड यूजर एंड लेस देन लीटर और आप गैस करें कि कौन से यूटेंसिल्स में या कौन से चीज में एक लीटर से ज्यादा का पानी ज्यादा पानी रहता है और किसमें एक लीटर से कम पानी रहता है सिंपल आपने जो एक लीटर की बोतल खाली इकट्ठी की है उसमें एक लीटर पानी भरिए और उसको आपने जो जो भी चीजें लिए उसमें डालिए। अगर जो भर गया और उसके बाद भी खाली रहा मोर देन वन लीटर इट कैन होल्ड एंड अगर एक लीटर पानी भर के आपने जिस बर्तन में डाला और फिर भी पानी बच जाता है फुल वो बर्तन पूरा भर गया उसके बाद भी अगर पानी बच जाता है दैट मीन्स न होल्ड लेस देन वन लीटर लेस देन वन लीटर एंड मोर देन वन लीटर तो लेस देन लीटर कौन कौन सी चीजें होती है हमारे घर में बॉल स्मॉल सॉसपैन ग्लास मग एटसेट्रा आप चाहे तो और भी चीजों का लिस्ट इसमें एड कर सकते हैं एंड मोर देन वन लीटर बिग कुकिंग पॉट कुकर बकेट दीज ऑल थिंग्स होल्ड मोर देन वन लीटर एंड दीज ऑल थिंग्स होल्ड लेस देन वन लीटर ऑफ वॉटर ये छोटी है एक लीटर से छोटे है सारे और ये सारे के सारे बर्तन है वो एक लीटर से बड़े हैं page number 156 topic match the right pairs here five things are given to measure milk water tank bucket eye drops bottle and water Surahi and here the capacity returns about 12 liters less than half liter this is half one slash that means half half liter, about five liters, one thousand liters, and again half liter. This is less than half liter. Other liter say become and this is half liter. okay? So about twelve liter, which one from these hole, about twelve liters bucket, okay, less than half liter, ओके स्मोलर आईड्रॉप लेस देन हाफ लीटर अबाउट फाइव लीटर टू मेजर मिल्क वॉटर टैंक और वॉटर सुराही अबाउट फाइव लीटर वॉटर सुराही एंड वन थाउजेंड लीटर्स सिंपल जो बड़ा होगा वो वॉटर टैंक एंड हाफ लीटर यूटेंसिल्स और मेजरिंग द मिल्क ये दूध नापने का जो ये बर्तन है वो हाफ लीटर का हो सकता है सिंपल नेक्स्ट पोर्शन पेज नंबर नाउ हंड्रेड जग होल्ड्स मो व्हाट आर नेमा एंड जीतू डूइंग इफ नेमा पोर्स वन ग्लास ऑफ वॉटर इन हर जग इट लुक्स लाइक दिस अगर नेमा एक ग्लास भर के पानी जग में डालती है तो जग कुछ इस तरीके का दिखता है सो नेमा ग्लासेस ऑफ वाटर टू डू यू थिंक नेमा को लगता है कि अगर मैं तीन ग्लास भर के पानी इस जग में डालूंगी तो ये जग पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा वट डू यू थिंक नेमा इज राइट और रोंग हमें लगता है कि ये जो ग्लास है वो एक ग्लास भर के पानी डालने से यहां पर आ गया इसका लेवल तो टू यहां तक आएगा और थ्री में पूरा भर जाएगा दैट मीन्स नेमा इज राइट सो नेमा विल हैव टू है थ्री कंप्लीट ग्लासेस ऑफ वॉटर टू फील दग नेमा इज राइट नेमा सही है नेमा जो सोच रही है वो सही सोच रही है नाउ इफ जीतू पोस वन ग्लास ऑफ वॉटर इन हिज जग इट लुक्स लाइक दिस जीतू एक ग्लास भर के पानी अगर जग में डाल रहा है तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है सो हूज जग होल्ड्स मो वॉटर जितूस जग और नेमास जग जीतू का जग आपको देख, देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू नेमास जग दैट मीन जिगूज जितूस जग इज बिगर देन नेमास जग सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वॉटर डू यू थिंक जीतू शुड फॉर टू फिल ही जग आई थिंक वन में यहां आया टू थ्री एंड फोर में फुल होगा फोर so ग्लासेस चाहिए इसको फोर ग्लासेस ऑफ वॉटर जीतू नीड टू फिल ही जग उसको चार ग्लास भर के पानी चाहिए एंड इफ जीतू फॉर वन मोर ग्लास ऑफ वॉटर His jug will be dash full. इस जग विल बी अराउंड फुल। अगर इसमें जग, ग्लास भर के अगर पानी डालता है तो पूरा हो जाता है और एक डाला हुआ है ऑलरेडी एंड अगेन जीतू फोर्स वन मोर ग्लास ऑफ वॉटर इन इस जग एक तो ऑलरेडी है एक और डालेगा तो कितना होगा हाफ हो जाएगा सो so, If Jitu pours one more glass of water in his jug, will be around half full. Next, filling pots. Nasim and Abdul had to fill their pots each with water. Both pots were equally big and heavy.

नसीम एंड दिस इज अब्दुल नसीम हैड टू फिल हॉटल फ्रॉम द टैप बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बॉटल ओनली एट टाइम्स नसीम को सोलह बार अपनी बॉटल भरनी पड़ी अपना पॉट पूरा पानी से भरने के लिए और दूसरी और अब्दुल को ओनली एट टाइम्स आठ बार ही अपनी बोतल पानी से भरनी पड़ी अपना पॉट है वो पूरा पानी से कंप्लीट भरने के लिए थिंक so नसीम को ज्यादा बार बॉटल्स क्यों भरनी पड़ी अब्दुल को तो एट बार एट टाइम्स ही बोतल भरनी पड़ी और नसीम को सिक्सटीन टाइम्स बोतल भरनी पड़ी वाई ऐसा क्यों बिकॉज नसीम हैड टू गो मोर टाइम्स देन अब्दुल बिकॉज हर हॉटल इज स्मॉलर देन अब्दुल्स बॉटल नसीम हैज स्मॉलर बॉटल कंपेयर टू अब्दुल्स बॉटल अब्दुल की बॉटल अगर कंपेयर की जाए नसीम की बॉटल से तो नसीम की बॉटल छोटी है और अब्दुल की बॉटल बड़ी है सेकेंड क्वेश्चन सीम्स बोटल कैन होल्ड डैश ट्वाइस हाफ थ्री टाइम्स एज मॉटल एज अब्दुल्स बॉटल अब नसीम की बॉटल में कितना पानी रहता है कंपेयर टू अब्दुल्स बॉटल ट्वाइस दो गुना पानी रहता है हाफ आधा रहता है या थ्री टाइम्स तीन गुना पानी रहता है हियर यू कैन सी नसीम फिल हर बॉटल सिक्सटीन टाइम्स टू फिल पॉट बट अब्दुल टू फिल हिज पॉट इसको आठ बार जाना पड़ा और इसको सोलह बार जाना पड़ा तो इसको डबल जाना पड़ रहा है ना दैट मीन्स की इसकी बॉटल जो है नसीम की बॉटल वो अब्दुल की बॉटल से आधी है हाफ है इसीलिए तो उसको ज्यादा बार जाना पड़ा दैट मीन्स नसीम्स बॉटल कैन होल्ड हाफ एज मच वॉटर एज अब्दुल्स बॉटल नेक्स्ट टॉपिक हाउ मैनी ग्लासेस ओके पॉट नंबर ए बी एंड दिस इज स्मॉल ग्लास नाउ पॉट बी होल्ड इलेवन ग्लास फूल्स ऑफ वॉटर and pot A holds twice as much water as pot B. So how many glasses of water are needed to fill pot A? Think. Pot B holds 11 glass full of water. अगर आपको pot B को पूरा पानी से भर, बर, भरना है तो आपको 11 ग्यारह ग्लास चाहिए पूरे पानी से भरे हुए ग्यारह टाइम्स ग्यारह बार इसमें अगर पानी डालेंगे तब जाके ये पानी से पूरा भर जाएगा एंड पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस ट्वाइस दैट मींस दो गुना डबल पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी अगर पॉट ए को पूरा भरना है तो इसको वन टाइम और सेकेंड टाइम दो बार डालना पड़ेगा पॉट बी को पूरा भर के दो बार डालना पड़ेगा सो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वॉटर तो अगर पॉट ए को पूरा पानी से भरना है हमें तो पॉट ए में कितने ग्लास पानी डालना पड़ेगा सिंपल डबल ऑफ पॉट बी डबल तो हो रहा है यहां पे तो लिखा है ट्वाइस टू टाइम्स दैट मीनस डबल हो रहा है सो पॉट बी कैन होल्ड ओनली इलेवन ग्लास फुल ऑफ वॉटर

and 11 plus 11 equals 22 glasses. Thus, pot A can hold 22 glasses of water. तो so, अगर हमें pot A को पूरा का पूरा पानी से बनना है, तो हमें 22 glasses of water चाहिए. Next, filling potholes

ना किसी की साइज बड़ी है ना छोटी है रिमेंबर दिस टॉपिक नाउ होल ए गेट फील्ड विथ नाइन मार्क्स ऑफ पेबल्स होल बी गैट्स फील्ड विथ एटीन मार्क्स ऑफ पेबल्स एंड होल सी गैट्स फील्ड विथ ट्वेल्व मक्स ऑफ पेबल्स मार्क ए बी एंड सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर हमें बताया ही नहीं गया कि विच इज होल ए विच वन इज बी एंड विच वन इज सी कौन सा होल ए है बी है और सी है वी हैव टू डिसाइड किसको ए माना जाएगा किसको बी माना जाएगा और किसको सी माना जाएगा सो लेटेड डिसाइड Here you can see, hole B gets filled with 18 mugs of pebbles. सबसे ज्यादा मक्स इसमें डालने पड़ते हैं B में तो सबसे बड़ा कौन है इसमें दिस वन तो दिस इज पटोल्स B. नेक्स्ट हो C get filled with 12 mugs of pebbles. ट्वेल्व मर्स डालेंगे तब जाके फिल होगा तो बी से छोटा कौन है दिस वन दैट मीन दिस इज सी एंड होल ए गेट फील विबल सबसे छोटा नाइन मर्स ओनलीस दिस वन नाउ विच इज द बिगेस्ट पठोल्स इसमें से सबसे इस सब बड़ा वाला कौन सा है बी सिंपल

होल ए एंड होल बी अगर ए को फिल का पूरा का पूरा फिल करना है तो हमें नाइन मक्स चाहिए और बी को पूरा का पूरा फिल करना है तो एटीन मक्स चाहिए एंड एटीन इज डबल ऑफ नाइन राइट नाइन प्लस नाइन एटीन नाइन टू सार एटीन तो नाइन को डबल करेंगे तो एटीन मिलेगा ना तो ए में जितने जग डालेंगे उससे डबल जग बी में डालने पड़ेंगे सिंपल

दस जग चाहिए सिंपल दिस इज द एंड ऑफ आ चैप्टर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर आपकी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में सारे के सारे कैलकुलेशन के साथ लिखने हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो